पहले मैं ऐसे ही पराठा बनाती और अभी भी ऐसी बना रही हो। अगर आपकी जिंदगी में दुख की कमी है तो आईफोन और विंडोज ले लो। सामने से इतनी तेज धूप आ रही है कि कुछ नजर उठा के देखने से नहीं हो रहा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू व्लॉग पर और आप सबका मेरा नमस्कार प्रणाम पहला। कैसे आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और हम भी बढ़िया हैं और मैं भी मस्त, मतलब थोड़ा बहुत बेटर हूँ। फिलहाल रेस्ट तो चल करना ही है, तभी रेस्ट चल ही रहा है और अभी टाइम हो चुका है, सुबह के 7 बज चुके हैं। आज मैं जल्दी उठ गई, 6:30 बजे उठ गई थी क्योंकि मेरा व्लॉग एडिट नहीं हुआ था कल का, आज का सॉरी। तो मैंने कहा कि फटाफट उठो, उसको पहले एडिट करो ताकि वो टाइम पे अपलोड हो सके। तो चलिए मैं उठ गई थी, तो मैंने सोचा उठ के पहले चाय बना दी थी क्योंकि बब्बू तो फिर चाय पीते हैं नहीं, कभी मम्मी पे आ गए तो ही पीना होता है। तो मैंने कहा जब तक उठ के एक काम कर लेते हैं, साथ में व्लॉग भी एडिट करते हैं और चाय भी पीते हैं, देन उसके बाद आगे को देखते हैं कि नाश्ते में क्या बनाना है। तो पहले चाय बनाते हैं। चाय करना चाहिए बनना। क्या करा तुमने? पराठा। देखो इसका कौन कहेगा ये शादीशुदा महिला का पराठा है, ये तो लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज वाला कर दिया बनने तुमने। पहले मैं ऐसे ही पराठा बनाती और अभी भी ऐसे ही बना रही हो। बात तो सही है। ये पराठा है तो क्या हुआ? अपनी पुरानी चीजें नहीं भूलनी थी जल्दी। बता, वाटी लगा दी पराठे की? नहीं, इसने गोभी ना बहुत पतली वो कर दी, उबाल दी, तो उसके वजह से पराठे तो मेरे। एक्चुअली मैं हुआ ये था, पहले पूरा सुन लो। हाँ बताओ क्या कह रही हो। मेरा कहने का ये है, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा हल्का सा बॉईल कर देती हूँ ताकि थोड़ी वो अंदर से सॉफ्ट हो जाएगा करके, मैं भूल पड़ी रख के कि मैंने गोभी रखी है करके, मैं व्लॉग एडिट कर दिया, सब लग गई, फिर याद आने लगा मैं तो गोभी बॉईल करने रखी थी। तब तक आए बनाओ गोभी के पराठे। पानी मन से गोभी वो लेके आया था ना, गोभी के पराठे मन से बना रही थी। अब मेरी क्या करती, सबसे ज्यादा तो हम प्रॉब्लम है इसकी वजह से, ये जो कैमरा दिख रहा होगा और ये जो लोगो दिख रहा है इसकी वजह से ज्यादा परेशान है। हमको डेटा ट्रांसफर करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्या ही बताएं। कल से इतने हथकंडे ट्राई कर लिए हमने, इतनी ट्रिक्स ट्राई कर ली, लेकिन हो ही नहीं रही है क्योंकि हमारे पास वाली केबल नहीं है ना, क्या कहते हैं, डायरेक्ट पीसी पर लग जाने वाली टाइप ए टू टाइप लाइटनिंग केबल वाली, तो उसके वजह से हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे डेटा वायरलेसली। वाओ इतना टेस्टी पराठा बनाया मैंने। अच्छा अच्छा साइड में से मैंने। आपने नहीं पकाया फिर तो, मैं तो भर भर के देर थी पका तो आपने। अच्छा मतलब खाली वही हुई आटे ही आटा है। हाँ तो आपने अच्छे से नहीं पकाया बबू, ऐसे ऐसे करके उसको फ्राई करना पड़ता था। मैंने कुछ भी आप निकाल दे रहे थे जल्दी जल्दी। क्या कहना चाहोगे? मैंने बहुत अच्छे पराठे बनाए गाइस, बहुत मजे नहीं आ रहे। ब्रेकफास्ट करते हैं गाइस, आज मेरा ब्रेकफास्ट इनके वजह से फिर से 11 बजे हो रहा है। मुझे लगा मैं जल्दी उठ गई थी तो मैं जल्दी खाने लग जाऊं। जल्दी खाने लग जाती तुम, अकेले खा लेती। मैंने फ्रूट खा लिए थे सुबह, फ्रूट खाया, चाय बनाई, बनाना खाया सुबह, फिर उसके बाद व्लॉग एडिट किया, अपलोड किया। तो रात को एडिट कर देती तुम्हारे चक्कर में हुआ। मैंने कहा स्टार्टिंग था तो इनके उसमें छूट तो नहीं गया, बहुत बार होता है वो आधा मिस हो जाता है, उसमें आता नहीं प्रॉपर ना, तब मैं रुक गई थी। फिर मेरे को अपने आता मेरे को थकान भी लगी थी, मैं सुंदरकांड गाया पूरा के 2 घंटे बैठ रही और पसीने से पूरी भिग रही था ना। चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। तब मैंने नींद भी आ पड़ी मुझे, थकान से लगी, फिर मैं सो गई। छोड़ो तब सुन हो गया तुम्हारा, एक शब्द नहीं बोलेगी। मन कर तुम्हें ब्लॉग खा लू खाना भगवान से। जब भी बोलने स्टार्ट करती है फिर बोलती रहती, कल रात से इन्होंने कसम खा रही, ऑफिस आने के बाद से ये लगे हैं इस आईफोन से डेटा ट्रांसफर करने में। सुबह रात को भी सो गए, करते करते कितने बजे सोए हैं? 4 बजे, 4 बजे मतलब 2 बजे से लगे थे, 4 बज गया था इन्हें और अभी फिर से बैठ गए। अभी कसम खा रही इन्होंने कि झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं सारा डेटा तो आज ट्रांसफर करके रहूंगा। बोल है देखते हैं कितना टाइम लेते हैं। और ये 11:30 हो चुका है और अब सारी मेहनत बेकार हो गई, टेलीग्राम से भेज चुके हैं। और किससे भेजा था दूसरे बार आपने? कोई ऐप थी।
कोई एक ऐप थी उससे ट्रांसफर कर रहे थे, वो भी ट्राई कर चुके, वो भी फेल हो चुका है आधे उसके बाद, और अब एक और नया सोर्स लगाने की कोशिश में पूरी तरह। हम यहाँ थोड़ा अपनी कमर सीधी करते हुए क्योंकि थक गई बस सुबह सुबह, आज मैं जल्दी उठ गई थी 7 बजे। अच्छा चले फिर मन्नू, क्या करे, अगर आपकी जिंदगी में दुख की कमी है तो आईफोन और विंडोज ले लो, दुखी दुख होंगे। इतना रात से सुबह हो गई, आधा दिन फाइल ट्रांसफर करने में इतना सरदर्द, भाई साहब गजब ही कर दिया है इसने तो, दुखी कर दिया है आईफोन ने। कहीं भी टच करो कुछ नहीं होगा। क्या है, दुनिया की सारी ऐप ट्राई कर लो भाई साहब, इसमें विंडोज में ट्रांसफर ही नहीं होगा, कभी कुछ लगा ही रहेगा, ट्रांसफर होगी तो आधे में रुक जाएगा जैसे ये रुका है। मैं थक गया रे, बंद कर दे रही हूं, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, छोड़ो। चलो भाई चलो, बाय बाय, आज से तुम व्लॉग नहीं बना पाओगे। आईफोन ने इतने ट्रांसफर देता नहीं हो पाएगा, व्लॉग अपलोड कब होगा, एडिट कब होगा, कुछ नहीं पता फिलहाल। बाय, ठीक है, बाय बाय, चलो हम भी चलते हैं ऑफिस को, मन अपना घर में देख लेगी, शाम को मिलते हैं, बाय बाय। बहुत कोशिश कर ली डेटा ट्रांसफर करने के लिए, अब मेरे को हिम्मत बिल्कुल नहीं आ रही इसको कर करके ना, मुझे इतनी थकान सी लग गई, दिमाग खराब गया। हाँ मैं सोचती थोड़ी देर, बहुत हो गया। हेलो, सो आज का दिन मैं क्या ही बताऊं आपको, इतना दिमाग खराब वाला दिन रहा है। मैं सुबह मतलब बब्बू जब से गए हैं तब से मैं चेक कर रही थी कि आईफोन से जो है वो डेटा जो भी ट्रांसफर करना है सिस्टम पे या लैप में वो कैसे करते करके, तो सारे ताम ला क्या बोलते हो, क्या बोलते यार, आम झाम दंड जो भी कहते हैं, पता नहीं यार समझ जाओ तुम, मेरा दिमाग वैसे खराब हो चुका है बहुत, तो कुछ हुआ नहीं। और अब जाके मेरी चाय वाय यहाँ पे हो चुकी है डन, और थोड़ा मैंने व्लॉग एडिट कर दिया है कल का जो था, अपलोडिंग भी डन हो चुकी है उसमें, और अभी मैंने बहुत ही मुश्किल से एक एक करके, एक एक जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता ना उस तरीके से, बूंद बूंद से मैंने टेलीग्राम से कुछ डेटा ट्रांसफर किया है। अभी भी एक वीडियो बहुत लंबी है तो इसलिए मैंने कहा पहले मैं जाती हूँ मार्केट, मार्केट ही क्या मतलब आज कहीं गई भी नहीं हूँ सुबह से, तो धीरे धीरे सोचा आगे तक थोड़ा मार्केट भी लगती है वहां भी हुआ हूँ, और दूध लाना है मुझे बस, हो गया ज्यादा कुछ तो अभी वेट वेट में उठाऊंगी नहीं, तो चाय वाय मेरी हो चुकी है तो अभी निकलते हैं मार्केट को, दूध वगैरह लेकर आते हैं दही जमाने के लिए। चलो, जब तक रूम के अंदर हो तो कुछ पता नहीं चलता वेदर क्या हो रहा, बाहर ठंडा है गर्म, बट जैसे ही रूम से बाहर है इतनी गर्मी हो रही है ना, जैसे की काम से बाहर निकल रही होगी, मार्केट तो नहीं खानी जल्दी क्योंकि नींद रात रात को आता है, मैं हो आती हूँ अंधेरे में जाने से पहले ना, कोई जाग में जा। आज ऐसे इतनी भीड़ नहीं दिख रही है मार्केट में, नहीं तो अदर टाइम इतना ज़्यादा भीड़ होती है क्योंकि आज वेडनेसडे है, बुद्ध मार्केट के चक्कर में, अब वहीं जाकर पता चलेगी कितनी भीड़ है करके। इस पार्क की हालत भी पूरी, दीवारें तो गिरा दी गई है, पता नहीं बनने में कितना टाइम लगेगा अभी, नहीं तो यहाँ पर भी बहुत से लोग वॉक कर लिए, सबसे बढ़िया है क्योंकि अभी बच्चे नहीं और ज़्यादा धूल नहीं थी, अब शायद धूल भी हो सकती है बाद में। ये वो पार्क है जहाँ मम्मी के साथ मैं आती थी शाम को, मैं और मम्मी जब डेली आते थे तो यहाँ पे एक्सरसाइज करते थे शाम के टाइम पे, और थोड़ी बहुत फिर वहाँ पे चेयर में बैठ जाएंगी, फिर यहाँ पे अभी चलेगी कथा वो सुनते हैं, अब आती नहीं हूँ तब से, आई भी नहीं हूँ, मुझे मम्मी के साथ ही आना होता था वैसे भी, और अब तो तब से आना नहीं हो पा रही, तेज़ धूप हो रही थी सामने से, इतनी तेज धूप आ रही थी कुछ नजर उठा के देखने से नहीं हो रहा, हाथ की छाया रख के चलती हूँ, टाइम बाद निकल के आ रही हूँ, एक महीने होने को है पूरा मेरे को। ठीक टाइम पे जैसे घर के नीचे पहुंचे वैसे पास वाले भैया भी आ गए, अच्छा वरना फिर इंतजार करना पड़ता कि मुझे धागा दौड़ी करते हुए आना पड़ता, तो आप चलते अंदर, गर्मी लग रही बहुत ज्यादा, तो दूध दही तो मेरे को लेकर आना था और सबसे जरूरी सामान था ये, पता है ये खाली सिंगल ही इन्होंने 100 रुपए का दिया, बोल रही हूँ अपना वो खराब कर रही हूँ करके खराब जोड़ा, और क्योंकि बब्बू ने परसों ये रखा हुआ था बुड़ बुड़ के नीचे आया और तोड़ दिया, फिर मैंने कहा ले आती हूँ, ऑनलाइन मैंने देखा 150 का मिल रहा था, 50 रुपए का थोड़ा फायदा हुआ तो सोचा रख लो क्या करना है, फिर पता चल रहा कहीं और ना बढ़ जाए बाद में तक। हाँ जी, तो मैं अभी ओपन करने जा रही हूँ एक पार्सल जो है मैंने नहीं मंगाया है, ये मंगाया है बब्बू ने, और उन्होंने बोला था कि बैग आने वाला तो उनका बैग अभी शाम को आया है, और जब तक वो आएंगे तो रात के 2 बजे वो आएंगे, और इतना इंतजार मुझसे नहीं होता है,
उनके आने से पहले मैं पार्सल ओपन कर लेती हूँ। देखते हैं कैसा बैग मंगाया है। उन्होंने मेरे मन की बात सुन ली और आज उन्होंने बैग ऑर्डर किया और अभी मुझे मार्केट से आ जाए तो मुझे पार्सल रिसीव हो गया था। जैसे इतना शब्द नहीं होता है। तो ये रहा है बब्बू का न्यू बैग। तो कैसा है भाई? इसका लगता अच्छा लग रहा है, टेल कलर है। बड़ी बेचैनी होती है, बेचारी लड़कियों को ही तो हो गया। हर न्यू चीज को लेने की भी और ओपन करने की भी। तो जी ये रहा इनका बैग, तो ठीक रहा वैसा। बाकी इनकी चॉइस पर डिपेंड करता है, ऐसा तो मेरी पसंद का तो कोई मतलब नहीं, मुझे तो ठीक ही लग रहा। कब तक है नहीं पता, लाइट वेटेड है। एक पॉकेट यहाँ है, बड़ी सी पॉकेट बाहर साइड में, एक यहाँ पे है पॉकेट इसकी, और बड़ी स्टाइलिश सी देखिए भी है। दूसरी पॉकेट इसका एक ये, इसमें स्पेस बनाया हुआ है, अच्छा ही है स्पेस भी। कुछ भी चीज़ यहाँ पे टाई कर सकते हैं, पेन वगैरह, डायरी वगैरह, मोबाइल वगैरह। और चलो फाइनली देव ने अपने बैग तो मंगा ही लिया, वो बैग का घिस के उन्होंने बना दिया है। सही है, वो बैग मेरे काम आ जाएगा घर में, मार्केट जब कभी सब्जी वब्जी लेने जाना पड़ेगा ना तो उसके सही रहेगा। आठ घंटे वाला, अब मैं नींद निकालू।